इससे पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ ली है फ्री स्पेस और कंडक्टर के बीच के बाउंड्री को लेकर, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी अक्रॉस द बाउंड्री, कुछ कंटिन्यूअस है और कुछ इक्वल है। और ऐसा ही हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट का भी ईटी और डीटी के बारे में समझा। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री के बाउंड्री कंडीशंस को, पर उससे पहले एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ कंडक्टर की परफेक्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। विद इन अ कंडक्टर चार्ज और चार्ज डेंसिटी इज जीरो, मतलब कंडक्टर के अंदर जो होती है चार्ज डेंसिटी, या चार्ज होता ही नहीं तो चार्ज डेंसिटी कहाँ से होगी। और ये भी समझा चुकी हूँ कि पूरे के पूरे चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पर लाए करते हैं, मतलब किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर अगर मैं बात करूं, या ये एक बाउंड्री समझ लूं मैं, कंडक्टर दो कंडक्टर से, एक नंबर टू नीचे ले लेती हूँ और एक कंडक्टर वन जो है, इन दोनों की बाउंड्री, तो नेचुरली जो चार्ज रहेगा वो इस सरफेस पर लाई करेगा, मतलब इस सरफेस पर मुझे रो एस अवेलेबल रहेगा जो कि रो एस कूलम्स पर मीटर स्क्वायर होगा। ये हम समझ चुके, जस्ट मैं रिवाइज कर रही हूँ। और क्या पढ़ा था हमने, समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर कैसा होता है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो है। साथ में ये भी समझाया था मैंने कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी जीरो होता है, क्योंकि अगर कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता तो उस केस में चार्जेस जो फ्री चार्जेस है जिसकी वजह से रो एस यहाँ पर कंडक्टर पर है, वो चार्जेस मूव करने लगते हैं और करंट अपने आप कॉन्स्टिट्यूट हो जाता, और वो होता नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ईटी टू और ईटी वन दोनों कंडक्टर के केस में कैसा होगा, जीरो होगा। और इसके साथ हमने, अगर ये वहां पर जीरो है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कंडक्टर की सरफेस पर, चाहे वो कंडक्टर वन हो टू हो कोई भी हो, ईटी जो होगा अक्रॉस द बाउंड्री जीरो रहेगा। अब ये जीरो है, करंट फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, पर जब ईटी वन जीरो है तो ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या मैं ई डॉट डी एल जीरो बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो ई डॉट डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और ये आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन है जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पोटेंशियल के साथ, और पोटेंशियल फिर मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया था तो उसके साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। तो E डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हमेशा जीरो रहता है, होता ही है जब तक E स्टैटिक है, टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है तब तक, पर यहाँ तो E ही अवेलेबल नहीं है। E अवेलेबल नहीं है तब भी तो E डॉट डी एल इक्वल टू जीरो होगा ही, और चार्जेस वहां पर प्रेजेंट है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, मतलब सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, ठीक। अब कंडक्टर के सरफेस पर रो एस एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल फाइंड आउट करूं डी का, मतलब डी एन नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो एज पर गॉशेस लॉ किसके बराबर होगा, रो एस के बराबर होगा ही होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है कंडक्टर को लेकर जो मैं जस्ट एक बार रिवाइज करवा दे रही हूं, ताकि कंडक्टर कंडक्टर की बाउंड्री से रिलेटेड हम जो प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, या जो हम नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या जे करंट डेंसिटी, इन सब की हम बात कर सके, तो इसलिए एक बार रिवाइज कर देना ठीक था। अब मैं आपको इससे कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री से रिलेटेड आपको मैं जे का इवैल्यूएशन करके बता रही हूँ, डेरिवेशन, मतलब जे का नॉर्मल कंपोनेंट और जे का टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब मैं जे की क्यों बात कर रही हूँ, जे की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में आई टू करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर अगर आई वन करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर जे मिलेगा। जे इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। पर हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस कंडक्टर का
की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, और इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और परमिटिविटी दोनों डिफरेंट है, तो जे भी दोनों में डिफरेंट होगा और जे का एंगल भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब अगर मैं इसे डिफाइन करने जाऊं तो ये तो एक नॉर्मल मेरा रिप्रेजेंटेशन था कि करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए और डायरेक्शन ऑफ द कंडक्ट करंट जो है वो ऐसा है, पर एक्चुअली ऐसा ना हो के नॉर्मल से हो सकता है एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो और दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट हो जाए। यहाँ पर मुझे एंगल थोड़ा ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर चेंज हो जाएगा तो नॉर्मल की तरफ या तो करंट की डायरेक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी या नॉर्मल से अवे हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द परमिटिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो ये मैं आई की डायरेक्शन दे रही हूं, पर यहां पर मैं इसे डिफाइन कर रही हूं जे टू से और इसे मैं डिफाइन कर रही हूं जे वन वेक्टर से। तो इस तरीके से कंडक्टर वन और कंडक्टर टू की बाउंड्री पर करंट क्रॉस करके एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जा रहा होगा, तो मैं J डिफाइन कर सकती हूँ इन कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर टू में मैंने J2 डिफाइन किया और कंडक्टर वन में मैंने J1 डिफाइन किया। J2 और J1 नॉर्मल के साथ सेम एंगल नहीं बनाएंगे, डिफरेंट एंगल बनाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, मतलब सिग्मा, एप्सिलॉन और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रो, इन सब की वजह से ये वाला एंगल डिफरेंट होगा दोनों कंडक्टर्स में। तो इसके बाद मैं आपको J से रिलेटेड दोनों कंपोनेंट्स, मतलब JN और JT, JN कहाँ मिलेगा मुझे, ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा JN1 का और यहां पर मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा JT1 का। सिमिलरली यहां पर मुझे J2N का या JN2 का कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल और यहां पे मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा जे टी टू का। इस तरीके से मैं इनके रिलेशंस अब आपको फाइंड आउट करके बता देती हूँ, पर साथ में ना तो मैं ई टी का फॉर्मूला डिराइव करूं, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता है अक्रॉस द बाउंड्री, ना मैं डी टी निकालूंगी और ना मैं ई एन निकालूंगी, क्योंकि अभी अभी बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो नॉर्मल कॉम्पोनेंट कहां से आएगा। तो ना मैं ई एन का फॉर्मूला डिराइव करूंगी, ना डीएन का, ना ईटी का, ना डीटी का, मैं सिर्फ जेटी और जेएन के फॉर्मूले डिराइव करूंगी बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस बाय सम पर्टिकुलर इक्वेशन विच वी आर नोइंग। पहले से हमें कोई इक्वेशन मालूम है उसको अप्लाई करते हुए मैं जेएन वन और जेएन टू और जेटी वन और जेटी टू के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके बताती हूँ। जैसा कि अभी पूरा रिविजन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डी का विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर बताया और सेम मैं अप्लाई कर रही हूँ कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री पर, मतलब तो कंडक्टर वन और कंडक्टर टू। कंडक्टर वन में मुझे सिग्मा वन और एप्सिलॉन वन ये पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए मिल रहे हैं, कंडक्टर टू में सिग्मा टू और एप्सिलॉन टू ये पैरामीटर्स मिल, ये बाउंड्री अवेलेबल है। अब इस बाउंड्री के अक्रॉस मैंने एक कॉइन टाइप का वॉल्यूम कंसिडर किया, ये वॉल्यूम है, दिस इज नॉट प्लेनर, वॉल्यूम है ये, मतलब आप इमेजिन करिए कि एक कॉइन रखा हुआ है हाफ कंडक्टर वन में और हाफ कंडक्टर टू में है एग्जैक्टली। अब करंट फ्लो हो रहा है तो फर्स्ट कंडक्टर से फ्लो होते हुए बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सेकेंड कंडक्टर में वो जा रहा है, तो यहां पर मुझे जे का जो नॉर्मल कंपोनेंट है जे एन टू वो ऊपर की तरफ है, नेचुरली नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल टू द बाउंड्री होगा। तो अभी नॉर्मल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, अगर इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो जे एन टू करंट ऐसे आ रहा है जैसा मैं बता रही हूं, करंट ऐसे आ रहा है तो उस करंट की वजह से जे भी ऐसा ही है, तो जे एन टू की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री होगी तो वो ये हो गई, और जे एन वन की भी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री तो ऊपर की तरफ होगी। ठीक, अब मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन फॉलो करूँ या कौन सा लॉ फॉलो करूँ। जैसे हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई का फ्री स्पेस टू कंडक्टर में डिफाइन किया था, तो वहां पर मुझे ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ी थी, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इक्वल टू जीरो। जब मैंने नॉर्मल कंपोनेंट्स डी के बीच में रिलेशन निकाला था तो मैंने गॉशियस लॉ यूज किया था। अब यहां पर मुझे क्या यूज करना चाहिए, यहां पर मुझे यूज करना है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे
is always equal to closed surface integration of j dot ds. ये होगा और ये कितना आता है जीरो. क्यों? हमने इसको पहले भी समझा था क्यों ये जीरो है, क्योंकि इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेट आउटफ्लो जीरो है. मतलब इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो जीरो है. एज डाइवर्जेंस ऑफ जे इज जीरो फॉर कंसिडर्ड वॉल्यूम. इस कंसिडर्ड वॉल्यूम जो मैंने कॉइन शेप का लिया है उसके रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो है. मतलब यहां पर मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस लगा रही हूं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लोज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई वेक्टर जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, मतलब जितना इनलेट है उतना ही आउटलेट है, तो उसका डाइवर्जेंस जीरो रहेगा. मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे यहां पर जीरो है. डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो है इसलिए क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस भी जीरो है. तो मैं इस वाली इक्वेशन को यहां पर यूटिलाइज कर रही हूं क्या फाइंड आउट करने में, इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने में. अब ये जो कॉइन सरफेस है इसका जो एरिया है वो डेल एस है. क्यों मैं डेल एस? क्योंकि मुझे जे डॉट डी एस, तो नेचुरली यहां पर मैं फाइंड आउट करूंगी जे डॉट डी एस को. मैं कंप्लीट ब्रेक कर दे रही क्लोज सर्फेस इंटीग्रेशन को, एक मैं टॉप में एक बॉटम में और एक इस कॉइन की कर्व्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में. मतलब कॉइन आप इमेजिन करिए, ये कॉइन है तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया और एक टॉप और बॉटम हो गया. अभी मैं बोर्ड के लैटरल बता रही हूं, इसको ऐसे रख दूं तो आपको तो ये रेक्टेंगल ही दिखेगा फ्रंट व्यू में या बैक व्यू में, पर जो कर्व सरफेस है वो मुझे यहां पर दिख रही. तो इस कर्व सरफेस के रिस्पेक्ट में भी मैंने एक इंटीग्रेशन लिया है. मतलब ये टोटल मेरे पास इंटीग्रेशन टॉप बॉटम और कर्व्ड का हो गया. अब मैं बोर्ड रब करके आपको आगे का समझा देती हूँ. अब जे डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो ब्रेक किया था वो इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये ही हम यूटिलाइज करें इस इक्वेशन को. क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है जीरो है. अब मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ. जे डॉट डी एस टॉप सरफेस के लिए, जे डॉट डी एस टॉप सरफेस के लिए, मतलब इसके लिए फाइंड आउट कर रही हूँ इस सरफेस के लिए. अब यहां पर जे एन वन किसके अलोंग है? ए एन के. तो मैग्नीट्यूड जे एन वन ले लिया और ए एन यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ये जे वेक्टर को डिफाइन कर दिया. डॉट डी एस कैसे डिफाइन करूंगी? ये एरिया डी एस है और एरियाज की डायरेक्शन आउटवर्ड ले रहे हैं, हमने ये कन्वेंशन फॉलो किया है. तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन भी ए एन डायरेक्शन में ही होगी आउटवर्ड. तो डेल एस भी ए एन डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जे एन वन इंटू डेल एस. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जे डॉट डी एस फॉर द बॉटम. तो जे डॉट डी एस फॉर द बॉटम में बॉटम सरफेस ये वाली हो गई, जे एन टू एक्ट हो रहा ए एन में और डेल एस का डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब माइनस ए एन डायरेक्शन में होगा. तो जब मैं जे वेक्टर प्लेस करूंगी तो जे एन टू मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन ए एन हो जाएगी अपवर्ड, एंड जब डी एस वेक्टर प्लेस करूंगी तो डेल एस मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन उसकी माइनस ए एन हो गई. तो ये हो गया. अब यहां पर दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो एक प्लस डायरेक्शन का एक माइनस डायरेक्शन का पर अलाइंड है, तो नेचुरली दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस जे इन टू डेल एस हो जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं कर्व सरफेस की. सपोज इस कर्व सरफेस की जो हाइट है वो डेल एच है, मतलब डेल एच बाय टू कंडक्टर वन में और डेल एच बाय टू कंडक्टर टू में है. अगर मैं बाउंड्री पर ये इवेल्युएट करना चाह रही हूँ रिलेशन बिटवीन जे एन, तो मुझे इसे स्क्वीज करना पड़ेगा. मतलब डेल एच शुड टेंड टू जीरो होना चाहिए और डेल एच जैसे ही टेंड टू जीरो होगा तो कर्व सरफेस के लिए चाहे जो जे डॉट डी एस फाइंड आउट करना हो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा कॉइन ही स्क्वीज होके थिन हो जाने वाला है एक डिस्क के जैसा. तो इसलिए एज डेल एच टेंड्स टू जीरो तो जे डॉट डी एस कर्व सरफेस के लिए हर हाल में जीरो ही आएगा. तो ये तीनों टर्म्स अगर हम लिखते हैं तो ये थर्ड जीरो हो जाएगी और फर्स्ट टर्म जे एन वन डेल एस, सेकेंड टर्म माइनस जे एन टू डेल एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते तो जे एन वन इक्वल टू जे एन टू आ जाता है. ठीक.
अब हमें मालूम है ET1 इक्वल टू ET2 तो है ही, जीरो है, पर मैं इसे इक्वल बोल रही हूं। इक्वल किया तो JT1 अपॉन सिग्मा 1 इक्वल टू JT2 अपॉन सिग्मा 2। अगर T1 को सब्सटीट्यूट करें और ET2 को सब्सटीट्यूट करें तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 से मैं डिफाइन कर रही हूं। अब अगला जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम 1 और 2 का बेस यूज करेंगे। अब हम कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री पर करंट के डायरेक्शन की वजह से J1 और J2 ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। J1 जो है नॉर्मल के साथ अल्फा 1 एंगल बना रहा है और J2 जो है नॉर्मल के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा है, और E1 और E2 भी एक्ट कर रहे हैं इसी तरीके से। कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 के पैरामीटर्स वही सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 है। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो मुझे जो मिलने वाला है वो 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर देते तो JT1 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल टू JT2 अपॉन सिग्मा 2 तो है ही, और JN1 JN2 से डिवाइड कर देते तो JN1 यहाँ आ जाएगा JN2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको जब हम इस पर्टिकुलर फिगर पर अगर मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अप्लाई करती हूँ तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ मैं 10 अल्फा 1 10 अल्फा 2 फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो अल्टीमेटली ये जो मुझे मिलने वाला है वो 10 अल्फा 1 अपॉन सिग्मा 1 और 10 अल्फा 2 अपॉन सिग्मा 2 मिलेगा, या 10 अल्फा 1 अपॉन 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये रिलेशन अवेलेबल रहेगा। और नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स ऑफ जे हमने अभी फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ जे किसकी मदद से फाइंड आउट किया था, ET1 इक्वल टू ET2 की मदद से, कि ये कंटिन्यूस रहता है। और उसके साथ हमें इन दोनों रिलेशंस को यूज करके हम ये एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मेनली ये हमें यूटिलाइज होता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लो ऑफ द वेव या प्रोपागेशन ऑफ द वेव इन अ पर्टिकुलर मीडियम या कंडक्टर की बात करेंगे तब हमें इसे रेफर करना रहेगा।